बागेश्वर नगर क्षेत्र का कूड़ा मालदा के जंगलों में धू धू कर जल रहा है, जो कि लोगों के शरीर व पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। कूड़े को खुले स्थान में नहीं जलाने के एनजीटी के स्पष्ट आदेशों के उपरांत भी बागेश्वर नगर पालिका का कूड़ा पुलिस लाइन के निकट जलाया जा रहा है। यहां बता दें कि पुलिस लाइन मालदा में इन दिनों युवाओं की पुलिस भर्ती भी चल रही है। मैदान में उनका फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है, लेकिन कूड़े से उठने वाला धुआं युवाओं की सेहत पर बुरा असर डालते हुए उनके प्रदर्शन को भी प्रभावित कर सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि कूड़े से उठने वाली दुर्गंध तथा धुएं से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इधर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि मालता के ट्रंचिंग ग्राउंड में अराजक तत्वों द्वारा अक्सर आग लगा दी जाती है। नगरपालिका पुलिस लाइन के समीप से ट्रंचिंग ग्राउंड को हटाने को लेकर गंभीर है। एक तो जो पॉल्यूशन है आसपास, अगर गंदगी फैलाएंगे तो बहुत तरह की बीमारियां हैं। एक तो जैसे अगर वो पानी के साथ कोई पानी में मिलेगा तो पानी की बीमारियां होती हैं, जैसे कि पीलिया हो सकता है, एंटरिक फीवर बोलते हैं, टाइफॉइड हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आसपास जो गंदगी रहेगी उससे बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं। दूसरा, अगर कोई कूड़े को जला रहा है तो धुएं के संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, जैसे जो सांस के मरीजों में कोई ज़्यादा दिक्कत रहेगी। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको भी धुएं से ज़्यादा बीमारी होने के चांसेस होते हैं। बस ये मेन परेशानियाँ इस तरह की हो सकती हैं। इस संबंध में बताना चाहूँगा, इस समय वर्तमान में पुलिस लाइन की भर्तियां स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसके फिजिकल चल रहा है। उसमें हमारे जो पुलिस लाइन के स्पॉट नज़दीक है, जिसमें हमारे कूड़ा निस्तारण का कार्य हो रहा है, उसको प्रतिदिन हमारे कर्मचारी वहां पर लगे हैं और प्रत्येक दिन सफाई हो रही है, कीटनाशक दवाई का छिड़काव हो रहा है और रोड भी काफ़ी सफा करवा रही है। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।